कविता पढ़ेंगे। मैं इस कविता का सारांश आपको समझा रही हूँ, फिर हम ये कविता पढ़ेंगे। इस कविता में एक ऐसे समाज के निर्माण की कल्पना की गई है जो एक आदर्श समाज हो, जहाँ के लोगों में वसुदेव कुटुम्बकम की भावना हो, जहाँ एक सबके लिए और सब एक के लिए हो, एक ऐसे समाज जहाँ सब समानता भाईचारे के साथ मिलजुल कर रहते हों और अपने सुखद भविष्य के सपने बुनते हों। हम यहाँ के घर घर में सुखद भविष्य के लिए नई आशाओं का संचार करें, समाज में ऊंच नीच का भेदभाव समाप्त कर सभी के दिलों में आपस में प्रेम भाव पैदा करें। हम इस भारत माता के अच्छे पुत्र बनकर लोगों में नवीन विचारों, तरक्की और उन्नति के नए ज्ञान का प्रचार प्रसार करें। आइए बच्चों, अब हम यह कविता पढ़ते हैं। आओ नया समाज बनाएं, इस धरती को स्वर्ग बनाएं। आओ नया समाज बनाएं, जाति पाति के बंधन तोड़े, अपने पन की कड़ियां जोड़े, इस धरती के हर मानव का मानवता से नाता जोड़े, एक दूसरे के सुख दुख में मिलकर बैठे हाथ बढ़ाएं। आओ नया समाज बनाएं। कवि आह्वान करता है कि आओ हम सब मिलकर नए समाज का निर्माण करें, एक ऐसे समाज को बनाएं जहां स्वर्ग की तरह सब प्रकार के सुख हों, एक ऐसा समाज बनाएं जहां जाति पाति और ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं हो, सब लोगों में अपनेपन का भाव हो, इस धरती के हर मनुष्य में मानवता की भावना हो और हम लोग एक दूसरे के सुख दुख में एक दूसरे की मदद करें। इस माटी का कण कण चंदन, इसे करें हम शत शत वंदन, नई रोशनी की किरणें बन, आज सजा दे हर घर आंगन, मिलजुल कर आगे बढ़ने का सबके मन में भाव जगाएं। आओ नया समाज बनाएं। कवि कहता है कि इस माटी का कण कण चंदन के समान है, भावार्थ यह है कि यह धरती जिस पर हम रहते हैं वह यह वंदनीय है, हम इसे नमन करें। हम यहाँ के हर घर में सुखद भविष्य के लिए नई आशाओं का संचार करें, हम यहाँ के लोगों में आपस में मिलजुल कर आगे बढ़ने, तरक्की करने की प्रेरणा भरें, सबके मन में इस प्रकार की भावनाएं जगाएं। आओ नया समाज बनाएं। श्रम को जीवन मंत्र बनाएं, ऊंच नीच का भेद मिटाएं, भारत माता के हम सपूत बन, नव जीवन की अलख जगाएं, धरा सभी की गगन सभी का यही प्रेम संदेश सुनाएं। आओ नया समाज बनाएं। कवि कहता है कि इस नए समाज में हम मेहनत से काम करने को अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं, समाज में ऊंच नीच का भेदभाव समाप्त कर सभी के दिलों में आपस में प्रेम भाव पैदा करें। हम इस भारत माता के अच्छे पुत्र बनकर लोगों में नवीन विचारों, तरक्की और उन्नति के नए ज्ञान का प्रचार प्रसार करें, लोगों को यह संदेश दें कि यह धरती और आकाश हम सबका है, हम सब आपस में प्रेम भाव का प्रसार करें। अंत में कवि कहता है कि आओ हम एक ऐसा आदर्श समाज बनाएं। मैं आशा करती हूँ बच्चों आपको यह कविता बहुत अच्छी लगी होगी, आपको इसका दोहरान करना है और इसे लर्न भी करना है।